रहमान रहीम, आज हम बनाने जा रहे हैं कोकोनट चटनी। फिर ले लिया मैंने 2 टेबलस्पून पीनट, 2 टेबलस्पून मैंने भुने हुए चना और खोपरे का पीस ले लिया था मैंने। और इसके हम चटनी इसको हम ग्राइंड कर लेंगे, लेमन और गार्लिक और ये करियंडा डाल के ग्राइंड कर लेंगे। इसके बाद हम इसकी तड़के तैयार कर रहे हैं। इसके लिए हमने ले लिया यहाँ पर राई 1 टी स्पून और कड़ी लीफ 2 से 6-7 पत्ते और यहाँ पर 1 टेबल स्पून हमने ज़ीरा ले लिया था और 6-4-3 ड्राई चिली ले ली थी। यहाँ पे 1 टेबलस्पून ऑयल ले लिया था बघार के लिए। अब इसको हम रोस्ट कर लेंगे, बिल्कुल फ्राई कर लेंगे और हम सारी चीज़ों को एक साथ ऐड कर लेंगे और इनको हम सिर्फ 2 मिनट के लिए पकाएंगे तो ये बिल्कुल सही ड्राई हो जाएगा। इसके बाद हम इसको पका कर हम इसका बघार लगा देंगे। चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आ जाए। तो ये हमारा भगार बिल्कुल तैयार हो चुका है और हम अपनी जो कोकोनट चटनी हमने इसके अंदर 1/2 कप वाटर डाल के जो हमने ग्राइंड कर ली थी और हम इसके ऊपर उसका भगार का ऐड कर लेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो बाय बाय और मेरी और वीडियोस भी आप ज़रूर देखिएगा। तो ये चटनी बहुत ज़्यादा यम्मी होती है, बहुत ज़्यादा मज़े की होती है, फ़ायदे भी बहुत हैं इसके, बहुत ज़्यादा। तो आप बनाइएगा अपने घर में। बाय बाय।